हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि जो हम लोग का पिछला वर्ल्ड था वहाँ पे जॉम्बीज और बहुत सारे मॉन्स्टर आके अटैक कर दिए थे, जिसकी वजह से जो हम लोग का बहुत बड़ा सा बिल्डिंग था वो डैमेज हो गया था। तो हम लोग क्या किए कि वो बिल्डिंग को छोड़ दिए और न्यू हाउस रेडी करने लगे। वो बिल्डिंग को छोड़ने के बाद हम लोग न्यू वर्ल्ड में ज्वाइन हो गए थे। बहुत ढूंढने के बाद दोबारा से हम लोग को वो बिल्डिंग वापस मिल गया है। तो चलिए चलते हैं और जल्दी से हम लोग अपने वो बिल्डिंग को देखते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ से हम लोग को गन पाउडर मिला है। ये सभी वेपन्स को हम लोग यहाँ पर छोड़ते हैं और गन पाउडर लेने की कोशिश करते हैं। ये गन्स पाउडर है ना, ये गन्स पाउडर भी लेते हैं और ये बोन भी ले लेते हैं। बोन भी हम लोग के बहुत ही काम की चीज़ है। अभी तो बोन हम लोग ले नहीं पाए हैं, एक मिनट। कुछ चीज़ें हैं जिनको हम लोग यहाँ से रिमूव करते हैं, जैसे कि ये हो गए। यहीं से हम लोग बोन्स लेने की कोशिश करते हैं। हम लोग यहाँ से बोन्स ले लिए हैं, अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं और चलिए चलते हैं हम लोग अपनी बिल्डिंग को देखते हैं। जो हम लोग का पुराना वाला बिल्डिंग था, डैमेज हो गया था, वही बिल्डिंग हम लोग को दोबारा से मिल गया है। चल लेते हैं हम लोग उनको देखते हैं, अपने बिल्डिंग को। ये देखिए, ये बिल्डिंग शो हो गया है, ये देख रहे हैं वही बिल्डिंग है। और इसमें लेकिन बहुत सारे अभी वर्क करने बाकी हैं, देख रहे हैं अभी सारे के सारे बिल्डिंग खाली पड़े हैं। इस पर कोई भी वर्क नहीं हुआ है, इस पर बहुत सारे वर्क करने बाकी हैं। इस वर्ल्ड में आप लोगों को बहुत सारे सामान मिल सकते हैं, जिसकी वजह से आप अपने खुद का हाउस बहुत ही आसानी से रेडी कर सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि इस वर्ल्ड में बहुत सारे मॉब भी हो सकते हैं, जिससे कि आप लोग को बचना पड़ेगा, उनसे फाइट करना पड़ेगा, उनसे अटैक करना पड़ेगा। इस वर्ल्ड में ग्रैंड वार्डन भी हो सकते हैं और बहुत सारे बड़े बड़े मॉब हो सकते हैं। ड्रैगन्स भी इस वर्ल्ड में हो सकते हैं, जिससे कि आप लोग को बचकर अपना हाउस रेडी करना पड़ेगा, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। अभी देख रहे हैं यहाँ पे अभी हम लोग का हाउस पूरी तरीके से रेडी नहीं है, इसको हम लोग अपने हाउस को पूरा करेंगे। ये बिल्डिंग बहुत ही ऊंचा है, एक टावर टाइप का है, बहुत ही ऊंचा ये टावर है। और ये जो पूरा वर्ल्ड है इसको हम लोग हीरोबीन एसएमपीस बनाने वाले हैं, जो कि इसमें बहुत सारे हीरोबीन्स भी आ सकते हैं और मॉब्स भी आ सकते हैं, जिससे कि हम लोग को फाइट करना पड़ेगा और अटैक करना पड़ेगा बहुत ही फास्ट और बहुत ही तेजी से। बहुत ही ज़्यादा इसमें मॉब हो सकते हैं। जब आप इस वर्ल्ड में ज्वाइन होंगे तो आप लोग को बहुत सारे वर्क करने पड़ सकते हैं, जैसे कि ये बिल्डिंग को कंप्लीट करवाना पड़ सकता है। इसी तरह आप लोग बिल्डिंग को कंप्लीट नहीं करवाइएगा। जब आप लोग इस बिल्डिंग को कंप्लीट करवाएंगे तो आप लोग को डायमंड दिया जाएगा, जिससे कि आप अपने वेपन्स रेडी कर सकते हैं और बहुत सारे चीज़ें रेडी कर सकते हैं। आप दोबारा से इस सर्वर में अपना खुद का हाउस रेडी कर सकते हैं, इस पर वर्क करा सकते हैं। वर्क कराने के बाद ये जो इसमें एक बिल्डिंग का एक फ्लैट आपका भी हो सकता है। ये हम लोग पूरी तरीके से हीरोबीन एसएमपीज रेडी करेंगे। इसमें बहुत सारे मॉब्स आएंगे, मॉब्स को हम लोग एक केज में कैद करके रखेंगे और ज़रूरत पड़ने पर उनको केज से बाहर भी छोड़ सकते हैं, ताकि लोगों पर अटैक करें। लोगों पर अटैक करने का मतलब कि आप लोग पर नहीं, जो हमारे इनमीज होंगे उन पर हम लोग अटैक कराएंगे। और लेकिन हाँ, एक बात ये भी है कि जब आप लोग अच्छे वर्क नहीं करेंगे तो आपके जितने भी सारे वेपन्स रहेंगे, सारे वेपन्स छीन लिए जाएंगे। तो आप लोग को ध्यान में रखते हुए इस वर्ल्ड में ज्वाइन होना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग को बैन भी किया जा सकता है, क्योंकि ये वर्ल्ड एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार वर्ल्ड होने वाला है। इसमें हम लोग बहुत सारे चीज़ रेडी करेंगे, स्विमिंग पूल हो गए हैं और बहुत सारे चीज़ें हम लोग इसमें रेडी करेंगे। यहाँ से तो आप देख सकते हैं कि हम लोग का ये जो बिल्डिंग है अभी पूरा नहीं रेडी हुआ है। यहाँ पर हम लोग एक अपना हाउस रेडी कर रहे थे, जो कि अभी आधा ही हाउस रेडी हुआ है, उसको हम लोग दोबारा से पूरी कोशिश करेंगे रेडी करने के लिए। जब आप आएंगे इस सर्वर में हाउस रेडी करने के लिए, तो आप लोग को बहुत सारे इसमें ग्लास स्टोन्स मिल जाएंगे, जिसकी वजह से आप लोग ये बिल्डिंग को रेडी कर सकते हैं। आप लोग को कहीं दूर जाकर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देख रहे हैं यहाँ पे अब रात होने वाला है, अब हम लोग को जॉम्बीज से भी बचना भी पड़ेगा। ये देखिए, जैसे कि हम लोग के पास ये ग्लास है, तो हम लोग थोड़ा ऊपर चलेंगे और थोड़ा ग्लास लगाने की कोशिश करेंगे, और जॉम्बीज आएगा तो उससे बचने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे ओ शिट, ये कहाँ आ गए हम लोग, इस साइड से निकलते हैं। ये देख रहे हैं जो ये मसाल जल रहा है, कितना प्यारा लगता है। जैसे जैसे रात होगा वैसे वैसे ये मसाल की खूबसूरती और अधिक बढ़ती जाएगी। और ये सब जो हम लोग टार्च लगाए हैं, छोटा छोटा, बहुत ही प्यारा टार्च लगते हैं। और रात होने दीजिए तो देखिए ये बिल्डिंग का रौनक और भी अधिक बढ़ने लगता है। और एक यहाँ से हम लोग अपना हाउस खुद रेडी करेंगे, एक छोटा सा यहाँ पर हाउस होगा, जो कि हम लोग ये हाउस एक फैक्ट्री की तरह रेडी करेंगे। उसी में सभी सामान हम लोग लाकर रखेंगे,
ताकि ज़रूरत पड़ने पर सभी को सामान दिया जा सके। एक यहाँ पे फूड काउंटर भी होगा, यहाँ पर लोग आकर अपना फूड भी ले सकते हैं कुछ डोनेशन करने के बाद। डोनेशन कुछ भी हो सकता है, कोई गोल्ड दे सकता है, कोई आयरन दे सकता है, इसी तरह डोनेशन देके आप फूड ले सकते हैं। तो ये देख रहे हैं, ये रात हो गया है तो यहाँ पे अभी जॉम्बीज नहीं आए हैं। और देखिए यहाँ पे मॉब भी एकदम गायब हो गए हैं, यहाँ पे मॉब भी नहीं दिख रहे हैं। ये देखिए एक जॉम्बीज आया। इस वर्ड को जब हम लोग हीरो बीन एसएमपी रेडी करेंगे तो इसमें और भी अधिक सारे बहुत सारे जॉम्बीज आ सकते हैं। तो उसके लिए आगे हम लोग को रेडी होना पड़ेगा। सबके पास यहाँ पे डायमंड का आर्मर्स होना ज़रूरी है। यदि लोगों के पास डायमंड का आर्मर्स नहीं होगा तो वो जॉम्बीज से अटैक नहीं कर पाएंगे, न ही मॉब से अटैक कर पाएंगे। जैसे कि हीरो बीन्स हो गए हैं और बहुत सारे चीज़ हो गए, उनसे वो अटैक ही नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले तो आगे जो भी ज्वाइन होगा, जो भी खेलना चाहेगा, वो ज्वाइन तो हो जाएगा, लेकिन उनको आगे सर्वाइव करने के लिए डायमंड की ज़रूरत होगी, जिससे कि वो अपने आर्मर्स को रेडी कर सकें। यदि उनके पास आर्मर्स ही नहीं रहेंगे तो वो जॉम्बी से कैसे अटैक कर पाएंगे? अच्छे आर्मर उनके पास कैसे हो सकते हैं? जब ये आप लोग बिल्डिंग रेडी करवाएंगे तो हम आप लोग को डायमंड देंगे। हम लोग जब वो डायमंड देंगे उससे आप लोग अपना आर्मर्स रेडी कर सकते हैं और बहुत सारे रेडी कर सकते हैं। इसमें आप अपना खुद का भी हाउस रेडी करिएगा जो कि बहुत ही अच्छा रहेगा। जैसा जिसका परफॉर्मेंस रहेगा, जो जैसा हाउस जितना अच्छा हाउस रेडी करेगा उसको उतना अधिक डायमंड दिया जाएगा। ये देख सकते हैं अभी तो हम लोग कुछ फ़िलहाल कर नहीं रहे हैं, यहाँ पर बस हम आप लोग को दिखाने के लिए लाए थे कि हम लोग कैसे सभी चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ पर अभी तो सारा का सारा वर्क बाकी ही है, लेकिन जब हम लोग इसको हीरो बीन एसएमपीज बना देंगे तो बहुत ही सही रहेगा और बहुत ही फास्ट हम लोग रेडी करने की कोशिश करेंगे कि हम लोग का ये जो बिल्डिंग है बहुत ही फास्ट रेडी हो जाए। देख रहे हैं अभी ये बिल्डिंग पर थोड़ा रौनक भी नहीं है। इस साइड से देखिए कितना ब्लैक ब्लैक सा बिल्डिंग दिख रहा है। यहाँ पे नाइट में गाय के कैसे आ गया, देखते हैं। गाय को किल करते हैं, वैसे गाय तो भाग रहा है, गाय किल ही नहीं हो रहा है। गाय को छोड़ते हैं और इस साइड से हम लोग पर कोई अटैक कर रहा था क्या? गाय को यहाँ से हम लोग किल कर दिए हैं। अब हम लोग निकलते हैं इस साइड से। अभी पूरा बिल्डिंग का वर्क कंप्लीट नहीं हुआ है वो। इस साइड से हम लोग निकलते हैं, सुबह होने देते हैं। वैसे क्या है कि बिल्डिंग में एक बेड है तो हम लोग चलते हैं फास्ट और वही बेड पर हम लोग सोने की कोशिश करते हैं और वहीं से हम लोग बेड पर हम लोग जैसे ही सो लेंगे वैसे ही सुबह हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं बाहर कोई गेट भी नहीं लगाया है। एक कोई गेट लगाया रहता कोई तो ठीक रहता ना। यहाँ तो जॉम्बीज बहुत ही फास्ट आ सकते हैं अंदर। यहीं पे बेड है ना, यहीं पे दिखा था हम लोग को बेड, यहीं पे हम लोग सोते हैं फास्ट। ये देखिए हम लोग सो कर उठ गए, सुबह हो गया है, अब हम लोग को प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से हम लोग चलते हैं, नीचे उतरते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर क्या करना है। वैसे हल्का से कुछ हम लोग वर्क करते हैं। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं हम लोग कुछ वैसे ट्रीज है कि नहीं हम लोग के पास। हम लोग के पास वुड नहीं है तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एक चेस्ट रेडी करेंगे। उस चेस्ट में अपना जो सारा सामान है उसी में हम लोग वो चेस्ट में रखेंगे। देख लेते हैं हम लोग चेस्ट रेडी कर पाते कि नहीं। सबसे पहले तो यहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल रेडी करना पड़ेगा ना। क्राफ्टिंग टेबल यहाँ आसपास नहीं है, वैसे क्राफ्टिंग टेबल भी नहीं दिख रहा है। एक क्राफ्टिंग टेबल भी नहीं रेडी कर सकते हैं क्या? एक मिनट, ये रेड वाला है हम लोग के पास जिससे कि हम लोग क्राफ्टिंग टेबल रेडी करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्राफ्टिंग टेबल भी रेडी नहीं कर सकते। चल लेते हैं हम लोग थोड़ा वुड कलेक्ट करके लाते हैं, वुड से ही हम लोग क्राफ्टिंग टेबल रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ तो आसपास कहीं वुड नहीं दिख रहा है, तो चलते हैं हम लोग देखते हैं कहाँ पर वुड दिखेगा। वैसे यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ही वुड है, तो यही वुड को हम लोग कलेक्ट करते हैं। आसपास हम लोग इतना वुड ढूंढे लेकिन हम लोग को कहीं भी वुड नहीं दिखाई दिया। सारा का सारा वुड लग रहा है लोग कलेक्ट कर लिए कि काट लिए हैं, वुड दिख ही नहीं रहा है। तो यही सिर्फ हल्का हल्का वुड दिख रहा है यहीं पर जो छोटा छोटा है, यहीं से हम लोग वुड को कलेक्ट करते हैं। एक दो वुड तो हम लोग के पास आ गए हैं, एक सिर्फ हम लोग क्राफ्टिंग टेबल रेडी करना है और उसके बाद एक चेस्ट रेडी करना है। तो चलते हैं देखते हैं, वैसे यहीं पे हम लोग एक क्राफ्टिंग टेबल रेडी कर लेते हैं। ये एक क्राफ्टिंग टेबल हम लोग रेडी कर लिए हैं, अब यहीं पे हम लोग एक चेस्ट रेडी कर लेते हैं। सबसे पहले तो वुड को हम लोग प्लैंक बनाते हैं। वुड को हम लोग प्लैंक्स बना लिए हैं, अब चेस्ट बहुत ही आसानी से रेडी हो जाएगा। यहाँ पर चेस्ट दिखा आप लोग को, ये एक चेस्ट हम लोग रेडी कर लिए हैं और ये चेस्ट को हम लोग यहीं पर रखेंगे और चेस्ट में सारा सामान यहीं पर हम लोग रख देंगे ताकि जो भी न्यू बंदे या जो भी न्यू प्लेयर आए तो वो आसानी से खेल सके, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। जो हम लोग के ज़रूरत का सामान नहीं है यहीं पे हम लोग वो सभी सामान को रख देंगे, जिनको भी ज़रूरत होगा वो आकर ले सकते हैं।
ये डस्ट भी रख सकते हैं, डस्ट की भी ज़रूरत हो सकती है। ये गन पाउडर है, गन पाउडर तो हम लोग यूज़ मिलेंगे, गन पाउडर का हम लोग रॉकेट बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। यहाँ से हम लोग ये सभी को रख देते हैं, क्योंकि ये सभी हम लोग के लिए अभी ज़रूरत का सामान नहीं है, इनको यहीं पे रख देते हैं। जो हम लोग अपने न्यू वर्ल्ड में हाउस रेडी कर रहे थे उसका हमने वीडियो बना के डाला है, यदि आप लोग को देखना रहेगा तो देख सकते हैं उसको। जो न्यू वर्ल्ड में हम लोग अपना हाउस रेडी कर रहे थे, अब सारा का सारा हाउस हम लोग इसी वर्ल्ड में रेडी करेंगे, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पे देखिए हम लोग इतना वुड ढूंढ रहे थे, लेकिन इधर बहुत सारे ट्रीज हैं, जिससे कि हम लोग वुड बहुत ही आसानी से कलेक्ट कर सकते हैं। इसमें वुड ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं है, वुड तो जगह जगह सभी जगह मिल जाएगा, लेकिन इसमें खास बात यह है कि आपको ढूंढने पर इसमें बहुत सारे डायमंड भी मिल सकते हैं, क्योंकि आप लोग को पता है कि इसमें मॉब आ चुके हैं, और मॉब पता है मॉब बहुत सारे डायमंड लिए रहते हैं। आप लोग तो मूवी में देखे होंगे ना, जो बहुत सारे पुराने जॉम्बीज़ होते हैं वो लोग के पास कितना गोल्ड और डायमंड होते हैं। तो इसी तरह से इस वर्ल्ड में भी आप लोग को बहुत सारे गोल्ड और बहुत सारे डायमंड आयरन्स मिल सकते हैं। बस ये है कि आप लोग को ढूंढने की देरी है, आप लोग ढूंढेंगे आप लोग को बहुत सारे चीज़ें मिलेंगे। यदि आप लोग ढूंढ नहीं पाएंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, आप लोग ढूंढ भी नहीं पाएंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, आप लोग हमारे साथ वर्क करके भी डायमंड और गोल्ड और आयरन्स पा सकते हैं, बहुत सारे पा सकते हैं। इतना कि पा सकते हैं कि आप एक मॉब से आसानी से फाइट कर सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आई होप कि आप लोग को यह वीडियो पसंद आई होगी। ओके फ्रेंड, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। बाय फ्रेंड।